दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, एके टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसटीएफ का सिपाही बनकर उड़ाए 92,000 टप्पेबाज, व्यापारियों के आक्रोश को प्रशासन ने थामा, कहा जल्द ही होगी गिरफ्तारियां। नेत्रहीनों के ब्रेल लिपि के आविष्कारक रॉबर्ट लुई ब्रेल की मनाई गई पुण्यतिथि, ग्रामीण विधायक ने की शिरकत, कहा हमेशा देंगे दिव्यांगों का साथ। प्रदेश सहित महानगर में भी आयोजित की गई सहायक अध्यापक की परीक्षा, परीक्षार्थियों ने सिटी वन से साझा किए अपने अपने अनुभव। एक नेत्रहीन के बदौलत 5 नेत्रहीन बच्चों को मिली फिर से रोशनी, बच्चों की आंखों में आया वापस फिर से उजाला, सिटी वन की एक्सक्लूसिव। जारी है गोरखपुर महोत्सव में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ऑडिशन, डांस के दम पर पेश की गई दावेदारी। जटाशंकर गुरुद्वारे की ओर से आयोजित हुआ रक्तदान शिविर और नरेंद्र मोदी विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने अवैध प्लास्टिक के खिलाफ किया प्रदर्शन, कहा जल्द से जल्द पूर्ण रूप से बंद हो पॉलिथिन। खुद को एसटीएफ का सिपाही बताकर एक व्यापारी के मुनीम से 92,000 टप्पे बाजों ने उड़ा दिए। मामला महानगर के साहबगंज मंडी का है, जहां पर एक व्यापारी जो कि किराने की दुकान चलाता है, उसके मुनीम से खुद को एसटीएफ का सिपाही बताकर उसके झूले की तलाशी लेने लगे और उसमें रखा कुल 92,000 ले उड़े। मामला महानगर के साहबगंज मंडी का है, जहां पर एक व्यापारी जो कि किराने की दुकान चलाता है, उसके मुनीम से खुद को एसटीएफ का सिपाही बताकर उसके झोले की तलाशी लेने लगे और उसमें रखा कुल 92,000 ले उड़े। घटना के बाद से मुनीम के शोर मचाने पर स्थानीय आसपास के लोग और व्यापारी जुट गए और लोगों ने सड़कों पर जमकर बवाल काटा। कोतवाली थाने का इसी दौरान घेराव कर लिया गया, जिसकी सूचना पाकर एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव और ग्रामीण विधायक विपिन सिंह भी मौके की नजाकत को समझते हुए तत्काल प्रभाव से पहुंच गए। उपस्थित पुलिस वालों ने व्यापारियों का आक्रोश शांत कराया। उसके लिए चाहे हमको चाहे किसी से भी ना पड़े, चाहे सत्ती हो चाहे कोई भी हो, हर एक दिन भी बंद होता है जो हमारा चल रहा है, तो उस बीच में हम लोग मिल लेंगे तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा। अब आप पूरे किसी भी दिन में, रात में 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक हम उसे भी पहनते हैं। चलिया भी हम उधर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन कुमार सिंह ने कहा कि 24 घंटे के अंदर इन लुटेरों को पकड़ने का वह आश्वासन देते हैं। सीओ क्राइम है, सीओ कोतवाली हैं, सब लोग और हम लोग व्यापारी भाई बैठ के बात किए हैं। इन लोगों को 24 घंटे का समय व्यापारी भाइयों ने दिया है और यहाँ पर पिकेट की व्यवस्था जो है लगातार 10 बजे से लेकर रहेगी, जैसा कि आश्वासन दिए हैं लोग। और 100 इंस्पेक्टर, 2 सिपाही जो है लगातार राउंड पर जो है यहाँ पर 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगातार चलते रहेंगे, ताकि ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो पाए। सर, आप क्षेत्रीय विधायक हैं और एक विधायक होने के नाते आपने पुलिस से क्या कहा? क्या हमने प्रशासन से कहा है कि इसको किसी तरह वर्कआउट करिए, चूँकि 9 बजे सुबह तक का ई था, तो हम अनुरोध किए कि नहीं, इसको 24 घंटे इन लोगों को दिया जाए, क्योंकि किधर पुलिस को वर्क करना पड़ेगा। CCTV पे फुटेज सब निकाल रहे हैं लोग हर जगह से, तो निश्चित ट्रेस हो जाएगा जल्दी ही, ऐसा विश्वास है। क्योंकि गोरखपुर में जो भी घटनाएं हुई थी,
तो अच्छा उसका ये रहा कि सब अब तक वर्कआउट हो गई, तो निश्चित है कि बहुत जल्दी ये भी वर्कआउट हो। वहीं दूसरी ओर एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने भी जल्द से जल्द इन शातिर अपराधियों को कानून के गिरफ्त में करने की बात कही। और चेक किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज और चेक तहकीकात करके फिर उस पर कार्रवाई करें। सर, पिकेट ना लगने की बात व्यापारी कह रहे हैं। सर कह रहे हैं पिकेट ना लगने की बात, तो उसको चेक कर रहे हैं कि क्यों नहीं पिकेट लगी। पिकेट लगती है आमतौर पे, उसको भी थाने से वेरीफाई करके फिर उसको। सर 24 घंटे के में अनावरण ना होने पे व्यापारी बंद करने की बात कह रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अनावरण इसका शीघ्र ही हो जाए। रॉबर्ट लुई ब्रेल यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के लिए रोशनी है जिसने नेत्रहीनों के लिए एक नया सूरज उगाया। रॉबर्ट लुई ने आंखों से दिव्यांग लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जिससे नेत्रहीनों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। महानगर के राजेंद्र नगर कॉलोनी में सरजू देवी नामक संस्थान ने अपने इस पितामह की पुण्यतिथि मनाई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक विपिन कुमार सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रॉबर्ट लुई ब्रेल के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद अपने संबोधन में नेत्रहीन दिव्यांगों ने रॉबर्ट लुई ब्रेल को अपना आभार व्यक्त किया। और खिले गुलदस्ते यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को मेरा बार बार नमस्ते। दिव्यांग है तो क्या हुआ, कठिनाइयों का सामना तो करना जानते हैं। दिव्यांग है तो क्या हुआ, कठिनाइयों का सामना तो करना जानते हैं। दिखाई नहीं दिया तो क्या हुआ, आप लोग का स्वागत करना तो जानते हैं। कार्यक्रम के बारे में हमारे सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा कि वह लगातार दिव्यांगों की मदद करते हैं और जब भी जरूरत होगी उसके लिए तत्पर रहेंगे। रॉबर्ट लुईस जी का जन्मदिन है तो इसमें क्षेत्र की बात नहीं, हमारा जहां हमको बुलाएंगे हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस कार्यक्रम में आया, अभी चंद दिनों पहले लाल डिग्गी पर भी कार्यक्रम था दिव्यांग भाइयों का, तो उसमें भी बुलाया गया था, तो हम गए, तो हमको तो सौभाग्य प्राप्त है कि भाई हर जगह हमको लोग बुला लेते हैं, सबके दिल में बसे हुए इस नाते लोग। संस्थान बता रहे थे काफ़ी संघर्ष कर रहा है। हाँ, संघर्ष कर रहा है उसमें, क्या सहयोग रहे? नहीं, हमने कहा कि अभी तो मैं 25,000 रुपये आपको अपने व्यक्तिगत मत से दे दे रहा हूँ और बाकी विधायक निधि से जो है 5 लाख हम लोग बाहर शायद दे सकते हैं। हमने कहा है कि आप पता कर लें उसको, मैं तुरंत आप कच्छ निर्माण के लिए चाहे जो कुछ भी है 5 लाख रुपए हम तुरंत दिलवा देंगे। लेकिन अंतिम सवाल ये है कि 7 कर्मकार हैं, उनका समायोजन कहीं ना कहीं होना है, वो बिल्कुल बेकार। अब आज हमारे संज्ञान में लोग डाले हैं, हमने पत्र के लिखा दे दीजिए, हम प्रयास करेंगे, हम लोग एक माध्यम है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 59,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का रविवार को महानगर के अलग अलग केंद्रों पर आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए कुल 18 मंडल में 800 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें तकरीबन 4,31,000 से अधिक परीक्षार्थी लिखित परीक्षा दिए। महानगर में भी यह परीक्षा नकल विहीन कराने के लिए पूरी चौकसी में कराई गई। परीक्षा देकर लौट रहे कुछ परीक्षार्थियों ने सिटी वन से अपना अनुभव कुछ इस तरह से बयां किया। मीडियम साइज का पेपर था, आर्ट साइड स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ रहा होगा क्योंकि साइंस थोड़ी टफ थी, तो आर्ट साइड स्टूडेंट को थोड़ी परेशानी हुई थी, वरना करंट अफेयर और बाकी चीजें नॉर्मल आई थी। पेपर अच्छा रहा, मैथ्स के पेपर भी। हाँ, हम लोग का जनरल वालों के लिए प्रॉब्लम है थोड़ी। सर मेरिट हाई जाएगी और जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा हाई जाएगी तो हम लोग का दिक्कत होगी। सर शिक्षा मित्रों को वैसे भी बाहर अंक मिल रहे हैं। 5 नेत्रहीन बच्चे जो कि जन्म से ही देख नहीं सकते थे, उनकी आंखों में रोशनी ऐसे इंसान ने वापस लौटाई है जो पूरी तरह से नेत्रहीन है। इन 5 बच्चों का ऑपरेशन करने के बाद अब ये पूरी तरह से सामान्य लोगों की तरह जहां को देख सकते हैं। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। कश्तियां पहुंच जाती हैं सबकी किनारों पर, जिसका ना खुदा नहीं उसका खुदा होता है। जी हां,
इसी खुदा यानी ईश्वर ने एक ऐसे इंसान को प्रेरणा दी है जो स्वयं आँखों से नहीं देख सकता, लेकिन अभी तक उसने 5 जन्म से नेत्रहीन बच्चों की रोशनियाँ लौटाई हैं। जरा गौर से देखिए और ध्यान भी दीजिए, ये बच्चे अपने माँ के पेट से जन्म से ही अंधेरा लेकर आए थे और पूरी तरह से बिना आँख के थे। इन बच्चों के लिए अपनी माँ के पेट में तो अंधेरा था ही, पेट के बाहर आने के बाद भी ये अंधेरा 12 से 15 सालों तक कायम रहा, क्योंकि इनकी आँखें ही नहीं थीं। आपको यकीन नहीं होगा कि ठीक 1 साल पहले तक ये पूरी तरह से नेत्रहीन थे, लेकिन अब इनकी जिंदगियों में नया उजाला आ चुका है, और उजाला भी उस आदमी के बदौलत आया जो खुद ही जन्म से देख नहीं पाता है, यानी मोहनलाल सिंह जन्म से नेत्रहीन है। मोहनलाल सिंह पूरी तरह से नेत्रों से दिव्यांग हैं और उन्होंने इनकी पीड़ा को समझते हुए लोगों के सहयोग से 5 बच्चों की आंखों में दोबारा रोशनी लौटाने का काम किया है। आंखों के सफल ऑपरेशन यानी कि आई डोनेशन के बाद अब ये हमारे और आपकी तरह बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। मोहनलाल सिंह ने न सिर्फ इन 5 बच्चों के आंखों के लिए ऑपरेशन कराया, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी ताकत 25 नेत्रहीन बच्चों के लिए झोंक दी, जिनके पढ़ाई लिखाई और हॉस्टल का सारा खर्च ये चंदा मांग मांग कर जुटाते हैं। सिटी वन ने मोहनलाल सिंह और ऐसे ही बच्चों से बात की जिनकी पूरी की पूरी जिंदगी अब बदल चुकी है। ऐसा यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि हम बता रहे हैं अभी साल भर के पहले इन बच्चों की आंखें नहीं थीं, ये पूरी तरह से नेत्रहीन थे, ये देख नहीं सकते थे दुनिया। लेकिन यहाँ पे एक संस्थान है गोरखपुर के, और उसके यहाँ पे प्रबंधक हैं मोहनलाल सिंह, उन्होंने अन्य लोगों के साथ सहयोग करके इनकी आँखें फिर से ठीक कराई हैं। हमारे साथ ये लगभग 4-5 बच्चे हैं, इसमें एक बिटिया भी है, लड़की भी है, जो ये शुरू से ही नहीं देख सकते थे। इनकी पैदाइशी एज अ ब्लाइंड हुई थी, लेकिन इनका ऑपरेशन हुआ, पूरी तरह से अब ये सामान्य बच्चों की तरह देख सकते हैं। आप बताइए कब हुआ आपका ऑपरेशन? सर मेरा ऑपरेशन जनवरी में हुआ था, आज साल भर हो गया, जिसके वजह से मेरा चलना दुर्लभ था। हमारे मोहनलाल जी सर की देन है, कितने लोगों से कहा होगा, कितने लोगों से भीख भोर मांगा होगा कि हम लोगों को आज आँख की रोशनी वापस आई, जिसको हम कभी सोचे नहीं थे। आप बताइए बेटिया, आपकी कब से रोशनी वापस आई है? मेरी रोशनी तब से वापस आई, मेरा ऑपरेशन हुआ, 1 साल हो गया मेरा ऑपरेशन हुए हुए। आपको पूरी तरह से दिखाई देता है? जी, अब मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। आप बताइए आपकी रोशनी कब से आई? और जी सर, जनवरी में मेरा ऑपरेशन हुआ था, और हमारे श्री मोहन सर जी के मतलब हर पतन कहाँ से कहाँ से व्यवस्था करके लाएँ, और हम लोग के ऑपरेशन हुआ है, और हमारे जितने कमेटी है संस्था की सब मिलकर हम लोग की मतलब रोशनी आई, लोग पैसे दिए, इधर उधर से सर लाएँ हमारे, और हम लोग बहुत पुअर फैमिली के हैं सर। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि आपने आई डोनेट वाला प्रोग्राम देखा होगा, ऐड देखा होगा, लेकिन आप उन लोगों को शायद नहीं देखे होंगे जिनकी आई डोनेट होने के बाद ये पूरी तरह से मतलब सामान्य लोगों की तरह देख सकते हैं। एक ऐसा ही बच्चा हमारे साथ और है, इनसे हम बात करते हैं। आप बताइए कैसे ऑपरेशन हुआ, पूरी बात आप बताइए। सर मेरा ऑपरेशन 2 महीने पहले 1 नवंबर 2018 को हुआ, चेन्नई में। सर इसके पहले मैं बिल्कुल नहीं देख सकता था, चलता था, सामान लोगों से लड़ जाता था, गाड़ी मोटर में लड़ जाता था, लोग मुझ पर हंसी उड़ाते थे। लेकिन आज हमारे सर मिस्टर मोहनलाल जी के आशीर्वाद से, जेडी साहब के आशीर्वाद से, और दीपक दिवेश सर के आशीर्वाद से, संदीप टेगरीवाल जी के आशीर्वाद से आज मेरा रोशनी आ गया है। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर।
निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि इस रोशन दुनिया में रोशनी का होना कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो तब पता चलता है जब किसी की रोशनी नहीं होती है। आइए ज़रा इतने लोगों के रोशनी बने मोहनलाल जी से बात करते हैं जिनकी खुद की रोशनी नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात होती है कि लोगों की आंखें वो रोशन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए ये कैसे संभव हो पाया, किन किन लोगों के सहयोग से? मैं जन्मदात दृष्टिहीन हूँ, मुझे यह पीड़ा बर्दाश्त नहीं होता है। मैं सोचता था मेरे सामने नेत्रहीन आदमी को अगर आँख आ जाए तो इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं होगा। हम लोगों से चंदा मांगते मांगते इन तीन चार बच्चों का आँख बनवाए, तीन बच्चों का दिल्ली सरापा में, एक बच्चे का चेन्नई शंकर नेत्रशाला में। इसके पीछे श्री देश दीपक श्रीवास्तव, कमल एक्साइड, संदीप टेगरीवाल सर, जिन्होंने बहुत पैसा दिया। जब पैसा घट गया, ज़रूरत पड़ने पर मैं जॉइंट डायरेक्टर श्री योगेंद्र नारायण सिंह जी से कहा, उन्होंने भी मेरा मदद किया। अभी भी जो चीज़ घटता है इन लोगों के बाद, कोई भी दिक्कत आती, मुझे कहने की देरी होती है, हमारे अधिकारी तुरंत इस पर ध्यान देते हैं। दृष्टिहीन हैं लेकिन फिलहाल ये राजकीय कर्मचारी हो गए हैं अपनी मेहनत के बदौलत। आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ करना चाहेंगे संस्थान के लिए? मैं इस संस्थान के लिए सरजू देवी शिक्षण विकलांग शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो राजेंद्र नगर में स्थित है, मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मैं जो देख रहा हूँ, जो बच्चों से मैं मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गोरखपुर जनपद में भी ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्था है कि जो दृष्टिहीन है उनको दृष्टि मतलब में परिवर्तित करने का काम प्रयास करते हैं, डोनेशन करके ये सहयोग करते हैं। मैं सम्मानित जनता से ये आग्रह करता हूँ कि ऐसे संस्थाओं का पूरी तरह से सहयोग करें, जिससे कि आगे आने वाले ऐसे दृष्टिबाधित व्यक्ति दृष्टिबाधिता से मुक्ति पा सकें। धन्यवाद। निश्चित रूप से ये हमारे दर्शकों के लिए एक जानकारी भी है, सूचना भी है कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा सहयोग हो जाता है तो और भी जो जन्मजात विकलांग हैं, दिव्यांग हैं आँखों से, उनकी आँखें वापस आ सकती हैं, वो इस रोशन जहाँ को फिर से देख सकते हैं। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त, सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, चलकल बिल्डिंग, गोल घर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935908111। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं उशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। हे गाइस, इट्स एक कैश, यू आर वॉचिंग गोरखपुर सिटी वन नंबर वन चैनल। हाय, मेरा नाम है तुषार जोशी, सिटी वन चैनल के रीलॉन्च पे ऑल द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सिख समुदाय के आदि एवं पहले गुरु गुरु नानक देव के 550वें जन्म उत्सव को प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसी पर्व के अंतर्गत गोरखपुर के जटाशंकर गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान किए, जिससे कि कई जिंदगियों को बचाया जा सके।
इस अवसर पर पूर्व मेयर सत्या पांडे ने इसके बारे में कहा कि आज के दिन रक्तदान महादान है। प्रकाशोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर का उनके समर्पित करते हुए ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जटाशंकर गुरुद्वारे पर हो रहा है। वास्तव में गुरु जो राह दिखाते हैं उस राह पे अगर हम किंचित मार भी चल सकें तो इंसान को इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता, और ये वास्तव में इंसान को इंसानी सिखाने के लिए, इंसान बनाने के लिए ये बहुत बड़ा उपक्रम है। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के इस शुभ दिन पे मैं सभी को लख लख बधाइयां देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर महोत्सव जो कि आगामी 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, उसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का ऑडिशन अभी से ही महानगर के अलग अलग जगह पर हो रहा है। इसी के अंतर्गत डांस ऑडिशन का आयोजन सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें महानगर के स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। नरेंद्र मोदी विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने महानगर में प्लास्टिक के अवैध व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रदर्शन शास्त्री चौक पर किया। यह धरना प्रदर्शन मंच की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष डॉ. ज्योति श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया, जिन्होंने पॉलिथिन, प्लास्टिक, थर्माकोल इन सभी को प्रशासन से पूर्ण रूप से सख्ती से बंद कराने का निवेदन किया है। इस बारे में हमारे सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव ने कहा कि वो पॉलिथिन पर्यावरण के लिए अत्यंत दूषित है, जिसे जल्द से जल्द रोकना चाहिए। उसके पीछे जो कारण है पब्लिक अवेयरनेस, नागरिक जागरूकता की कमी है, उस सिलसिले में हम लोग बाहर निकले हैं और जागरूक करने निकले हैं नागरिकों को कि उसमें से एक है पॉलिथिन बंद करना, प्लास्टिक बंद करना। हमारा प्रदेश 19वां प्रदेश होगा जब यहाँ पे आह्वान किया जा रहा है प्लास्टिक बैन करने के लिए, और जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, जनता जागरूक नहीं होगी, हम उसको कामयाब नहीं कर सकते। हमारे योगी जी, मोदी जी जिन सपनों को लेकर चल रहे हैं, उन्हें अगर हम कामयाब नहीं करेंगे तो अकेला एक व्यक्ति कामयाब नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी विचार मंच की तरफ से मैं महिला अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव आह्वान करती हूँ, सभी नागरिकों से निवेदन करती हूँ कि सरकार का सहयोग करें। दिन भर में बस इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।